हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा, हमारी एमएस वर्ल्ड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है डिज़ाइन टैब में मौजूद पेज बॉर्डर कमांड। तो पेज बॉर्डर के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद पेज बॉर्डर आप यहां बॉक्स, शेडो, 3D कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ओके पर क्लिक कर दीजिए, पेज के चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा ऐसे। ठीक है, वापस आते हैं हम पेज बॉर्डर पर। और अगर आप चाहते हैं स्टाइल चेंज करना है, इसकी लाइन की जगह आप चाहते हो डॉटेड लाइन आए, तो यहाँ से बहुत सारे तरह की लाइन्स हैं, किसी भी एक लाइन पर क्लिक करिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके पेज की बॉर्डर उसी लाइन स्टाइल में दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, वापस हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक बार। और लाइन कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइन डबल लाइन में दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अबकी बार येलो ऑप्शन लिया और कलर अपन ने कर दिया लाइन का रेड। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दिया तो चेंज हो गया। ऐसे आप चाह रहे हैं कि टॉप बॉटम पे ही बॉर्डर आए, लेफ्ट राइट पे बॉर्डर, पेज की बॉर्डर हट जाए। थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ ठीक है, अब ये देखिएगा आपको विजिबल होगा। यहाँ से हम आते हैं पेज बॉर्डर पे, तो यहाँ से टॉप और बॉटम, सॉरी लेफ्ट और राइट की बॉर्डर आप क्लिक करके हटा देंगे, तो ये कस्टमा देंगे, तो ये कस्टमाइज हो गया। अपने हिसाब से अपन बॉर्डर लगाना चाहें तो ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप बॉटम पे ही बॉर्डर आपकी विजिबल होगी, बाकी जगह से हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जहाँ बॉर्डर दिखानी है उसी ऑप्शन पे आप क्लिक करके बॉर्डर को लगा या हटा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सेक्शन वाला टॉपिक बता चुका हूँ। आप अभी पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रही है, अगर आपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन बना रखे हैं तो आप अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपको सेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये और भी ऑप्शन दिए हैं, इनको आप यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, इस सेक्शन के पहले पेज पर ये बॉर्डर आया बाकी पे नहीं आया, तो ऐसे आप इनका यूज़ करके देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट आर्ट वाली बॉर्डर पे। आर्टिस्टिक बॉर्डर भी दी हुई है, किसी भी एक बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक कर दो, वो बॉर्डर स्टाइल आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज के चारों तरफ लग जाएगी। ठीक है, ये आर्टिस्टिक बॉर्डर होती है। वापस आते हैं हम, और यहाँ से कोई सा भी एक बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, इनका साइज कम ज़्यादा करना है अगर आपको, तो पेज बॉर्डर में जाकर यहाँ विड्थ यानी कि मोटाई, इसके अपन इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन था, ये हमने पहले भी किया था लेकिन हमने वापस से रिपीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप जो भी बॉर्डर आपको लेनी है तो आप सिलेक्शन उस बॉर्डर का स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट। वो बॉर्डर आपके डॉक्यूमेंट में चारों तरफ अप्लाई हो जाएगी। तो ये पेज बॉर्डर था। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको पेज बॉर्डर कमांड अच्छे से समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम सीखेंगे लेआउट टैब के बारे में। और इस क्लास को फिनिश करने के साथ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। और आपके जो भी सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।